स्टूडेंट्स, आई एम रिफर जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफर जहां यूट्यूब चैनल. सो एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज. सो टुडे आई एम गोना टीच यू अनदर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस. यस, जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिस्कस किया है. अब से पहले तक हमने काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म डिस्कस किया, लेकिन अब से ऑनवर्ड जितना भी ये चैप्टर रह गया है उसमें हमने ऑलमोस्ट ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करना है. अगर आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. नीचे मैंने पार्ट वन लिखा है. ये पार्ट वन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमने ह्यूमंस में मैकेनिज्म डिस्कस करना है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन आपको पता है आसान जुबान में ब्रीथिंग होता है, मतलब कि सांस का अंदर जाना और बाहर जाना. ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, क्या क्या ये स्ट्रक्चर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो हमने डिस्कस करनी है. अच्छा, ऐसा है कि ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इसमें काफ़ी सारे जो है वो सब टॉपिक्स आ जाते हैं. मैं क्या करूँगी, मैं आपकी आसानी के लिए ये पूरे का पूरा टॉपिक दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ताकि एक तो बहुत ज़्यादा लंबी ना वीडियो बने, दूसरा जो है वो आपको बोरियत ना हो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर जो कि है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. हमने रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करना है ह्यूमंस में. अच्छा, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें ना ह्यूमंस में, तो उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं नथने. ठीक है, ये सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है वो नॉस्ट्रिल होता है. ठीक है, पूरे का पूरा सिस्टम है, पूरे का पूरा आप कह सकते हैं सीक्वेंस के साथ अल्लाह ताला ने ये स्ट्रक्चर्स को अरेंज किया हुआ है, और ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो है वो सीक्वेंस के साथ अरेंज होके पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं ह्यूमंस में. ठीक हो गया. अच्छा, हमने कहा नॉस्ट्रिल, जिसको हमने नथने बोला, वो एक आप कह सकते हैं स्टार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फर्स्ट पार्ट है जहाँ से एयर ने अंदर एंटर होना होता है. ठीक है, इसकी डिटेल हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ बताती जा रही हूँ. नॉस्ट्रिल होता है, उसके बाद फौरन आपको पता है नेजल कैविटी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, नेजल कैविटी के फौरन बाद फेरिंग्स होता है. फेरिंग्स को क्या कहते हैं बेटा, गला कहते हैं. ठीक है, गला, ठीक है, थ्रोट जिसको बोलते हैं. फेरिंग्स में आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक आपको पता है कि उनमें विंड पाइप होता है और एक आपको पता है फूड पाइप होता है. ठीक है, अच्छा जी, अब उसके फौरन बाद फेरिंग्स में ना लेरिंग्स आता है. अच्छा, लेरिंग्स की बात करें तो इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है, लेरिंग्स जो है वो बेसिकली सांस की नाली ही है, लेकिन सांस की नाली का ऊपर वाला पोर्शन है. ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ तक लेरिंग्स होता है, नीचे जो आपको ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है ये इसको ट्रेकिया बोलते हैं. ठीक है, तो ये दोनों जो है वो बेसिकली सांस की नाली है. ठीक है, लेरिंग्स हो गया, उसके फौरन बाद ट्रेकिया. ट्रेकिया आपको पता है विंड पाइप भी इसको बोलते हैं, सांस की नाली हो गया. ठीक है, उसके फौरन बाद ये जो ट्रेकिया है ना, ये दो फर्दर ब्रांच में डिवाइड होती है. ठीक है, जिसको कलेक्टिवली हम ब्रोंकाई बोलते हैं, लेकिन अगर हम एक की बात करें तो सिंगल को हम ब्रोंकस बोलते हैं, आगे हम डिस्कस भी करेंगे. अब वो जो ब्रोंकस है ना, वो आगे फर्दर जैसे लंग्स में एंटर होगा ना, वो फिर फर्दर बहुत सारी सब ब्रांचेस में डिवाइड करेगा, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स. क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स. और ब्रोंकियोल्स भी आगे लंग्स में ना एयर सैक्स में आगे डिवाइड होता है, और एयर सैक्स फिर फर्दर जो है वो एल्वियोलाई, जो लास्ट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. ठीक है, सो जो एल्वियोलाई होता है ना बेटा, वो रेस्पिरेटरी सर्फेस होती है, मतलब दिस इज द मेन सर्फेस जहाँ गैसेज एक्सचेंज होनी होती है. क्योंकि अगर एल्वियोलाई की बात करें, काफ़ी सारी जो ब्लड कैपिलरीज है उसने इसको सराउंड किया होता है, तो दिस इज द मेन साइट जहाँ बेसिकली गैसेज एक्सचेंज होनी होती है. समझ आ गई. सो नॉस्ट्रिल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, एल्वियोलाई लास्ट पार्ट है. इसके दरमियान में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं, और कैसे अरेंज होते हैं वो मैंने आपको बता दिया. अब पिक्चर में भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आसानी हो जाए. बेसिकली अगर अब बात करूँ ना, ये पूरी की पूरी स्लाइड हमारे पूरे के पूरे टॉपिक को रिप्रेजेंट करती है. इसके बाद हम आगे एक एक पॉइंट को उठा कर उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन देखेंगे. ठीक है, अच्छा जी, नॉस्ट्रिल मैंने आपको बता दिया, नथने जिसको बोलते हैं, उसके फौरन बाद आपको पता है ये स्ट्रक्चर आता है जिसको नेजल कैविटी बोलते हैं. ठीक है, नेजल कैविटी के फौरन बाद मैंने आपको कहा फेरिंग्स होता है, ये फेरिंग्स पोर्शन है जिसको हमने गला बोलते हैं, थ्रोट भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद ना विंड पाइप स्टार्ट होना होता है, और विंड पाइप का जो अपर पोर्शन था उसको हम लेरिंग्स बोलते थे, और ये पोर्शन जो है ना पिंकिश पर्पल जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये लेरिंग्स है. ठीक है, ये विंड पाइप का ऊपर वाला पोर्शन होता है. इसमें भी आगे फर्दर स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो हम वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके बाद ट्रैकिया होता है. ट्रैकिया क्या है, सांस की नाली, विंड पाइप. ठीक है, ट्रैकिया हमने कहा आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं कलेक्टिवली, लेकिन सिंगल को ब्रोंकस बोलते हैं. वो आगे फिर लंग्स में फर्दर काफी सारी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. फिर एयर सैक आती है और एल्वियोलाई आती है, मैंने आपको बता दिया. समझ आ गई. इस स्लाइड पे टाइम ज्यादा लगा, क्यों
टाइम ज्यादा लगा क्योंकि सारे के सारा टॉपिक हमारी इसी स्लाइड पे बेस्ड है। अब हमने फर्दर एक एक पोर्शन को सीक्वेंस वाइज डिटेल से डिस्कस करना है। समझ आ गई? आज के टॉपिक की बात करें ना, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि हम अपने आप को पढ़ रहे हैं। जब हम खुद को पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट डिवेलप ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि हम अपने खुद को पढ़ रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। तो इंसान की एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना, कि अब हमने अंदर चेस्ट कैविटी के अंदर नहीं झांक के देखा कि क्या है, ठीक है? तो जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो बहुत ही इंटरेस्ट लेके आपने आज का टॉपिक जो है वो समझना है। अब हमने ना एयर पैसेज वे डिस्कस करना है। आप अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं बेटा, वो कलेक्टिवली रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स में से जैसे जैसे सीक्वेंस वाइज एयर मूव करेगी, हम क्या कहेंगे? लो जी, एयर पैसेज हो गया, ठीक है? सो वही हमने एयर पैसेज वे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम अगर एयर पैसेज वे की बात करें, नोस्ट्रिल्स, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट्स, और फिर आ जाती है एल्वियोलर सैक या फिर एल्वियोलाई। समझ आ गई? फर्दर पिक्चर भी मैंने आपकी आसानी के लिए लगा दिया। नेजल कैविटी, उसके बाद थ्रोट, ये जो थ्रोट जिसको हमने गला बोल दिया, ठीक है, गला हो गया, उसके फौरन बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सांस की नाली का ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। उसके फौरन बाद जो सांस की नाली का नीचे वाला पोर्शन होता है उसको ट्रैकिया बोलते हैं। अब बेसिकली मैं आपके साथ साथ एयर पैसेज वे भी समझा रही हूँ, क्योंकि इसी सीक्वेंस के साथ साथ एयर ने मूव करना होता है। उसके बाद ट्रैकिया में एयर आने के बाद जो आगे दो ब्रांचेज होती हैं वहाँ एयर ने मूव करना होता है, फिर ठीक है, मतलब ब्रोंकाई या ब्रोंकस में मूव करना होता है। उसके बाद फिर फर्दर मैंने आपको कहा था ना कि आगे लंग्स के अंदर काफी सारे ब्रांचेज में फिर फर्दर वो जो ब्रोंकस है ना वो डिवाइड होता है। इस तरह की ब्रांचेज बनती हैं आगे फर्दर, उसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और वो ब्रोंकियोल्स फर्दर फिर यहाँ आप कह सकते हैं एक अंगूरनुमा स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इधर काफी सारी आप एक ज्यूम करें कि काफी सारे ब्रोंकियोल्स के साथ ही काफी सारी ग्रेप्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर अटैच है, उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। और एल्वियोलाई जो है वो मेन साइड जहाँ गैसेज एक्सचेंज होनी होती है। समझ आ गई आपको एयर पैसेज वे? अगर आप ये सारे का सारा स्ट्रक्चर समझ आएंगे तो आपको एयर पैसेज वे भी समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने ना एक एक स्ट्रक्चर उठा लेना है और उसका स्ट्रक्चर देखना है, और स्ट्रक्चर कैसे हेल्प कर रहा है ह्यूमंस में रेस्पिरेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म करने के लिए, वो पढ़ना है। नेजल कैविटी की बात करें, बच्चे को पता है ये ऑलरेडी, आपने प्रीवियस क्लास में ये सारे के सारे रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है। अब जैसे हम आगे फर्दर क्लासेस में मूव करते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े मजीद कम्प्लेक्स हो जाते हैं, लेकिन चीज़ें वही होती हैं जो आपने ऑलरेडी पीछे पढ़ा होता है। अब नेजल कैविटी से कौन नहीं वाकिफ होता कि नेजल कैविटी जो है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है, सीलिएटेड जो है वो एपिथीलियम होती है। सीलिएटेड का मतलब अगर हम नेजल कैविटी की बात करें, अब आपने खुद को तो देखा है ना बेटा, नेजल कैविटी में जाहिर है म्यूकस मौजूद होता है। सीलिया कहते हैं कि बाल, जिसको आपको पता है हेयर्स मौजूद होते हैं हमारे नेजल कैविटी में, वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है। एपिथीलियम जो है वो लेयर ऑफ सेल्स को बोलते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, अब हमने ना फर्दर एक और बात डिस्कस करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करना है नेजल कैविटी रिलेटेड, एंड दैट इज कि नेजल कैविटी फिर आगे फर्दर डिवाइड करती है, और डिवाइड होने के बाद तीन एयर पैसेज वे बनाती है। हैरानगी वाली बात है, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा है कि इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। नेजल कैविटी की बात करें ना, तो उसकी जो बैक साइड है ना, मतलब जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं जो इंटरनल नोज की ओपनिंग है, ये तो जो नोस्ट्रिल होती है इसको कहते हैं कि जी एक्सटर्नल है, यहाँ से एयर में एंटर होना होता है नेजल कैविटी में। बट अगर हम हलक की बात करें, गले की बात करें, थ्रोट की बात करें, तो हलक में भी ओपनिंग होती है नेजल कैविटी की। सो उस ओपनिंग के फौरन बाद ना हमें तीन एयर पैसेज भी, अब आप ये एरो को अगर फॉलो करें तो तीन एरोज हैं, इसका मतलब फिर इस नेजल कैविटी के पिछले पोर्शन से तीन एयर पैसेज स्टार्ट होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ना, तो यहाँ काफ़ी सारी बोन्स जो हैं वो उभरी हुई होती हैं, ठीक है। सो ये जो आपको बोन्स उभरी हुई नज़र आ रही है ना, ये इस तरह से अरेंज होती हैं कि वो जो कैविटी है ना, उसको फिर वो तीन पोर्शन में डिवाइड कर देती हैं। समझ आ गई है आपकी आसानी के लिए? मैं लाइन भी रीड आउट कर देती हूँ। कहती है ईच नेजल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री पैसेज वे बाय द प्रोजेक्शन ऑफ बोन्स, क्योंकि नेजल कैविटी की पिछली तरफ कुछ बोन्स जो है वो प्रोजेक्शन शो करती है। इस तरह से अरेंज होती हैं बोन्स कि क्या रिजल्ट होता है कि जी तीन एयर पैसेज वे बनते हैं, ठीक है। अब जो बोन्स हैं वो कहाँ मौजूद है, मैंने आपको कह दिया कि जो इंटरनल नोज ओपनिंग होती है या इंटरनल साइड पे जो हमें वो बोन्स देखने को मिलती हैं, और वो तीन जो है वो कैविटी में कन्वर्ट करती हैं एयर पैसेज वे। समझ आ गई है?
अच्छा जी, आगे ये बहुत आसान बात आपको ऑलरेडी बेटा पता है कि जो नोस्ट्रिल है दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां से एयर ने एंटर होना होता है नेजल कैविटी में। समझ आ गई? अब हमने ना नेजल कैविटी का फंक्शन डिस्कस करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हर स्ट्रक्चर को, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हर हर स्ट्रक्चर मैं उठाऊंगी और उस हर हर स्ट्रक्चर का पहले मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी, समझ आ गई, और उस डिटेल स्ट्रक्चर के साथ उसका फंक्शन बताऊंगी। तो अब हमने फंक्शन की बात करी, क्योंकि नेजल कैविटी के स्ट्रक्चर को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया कि जी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसमें हेयर मौजूद होते हैं, सीलिया लाइक, ठीक है। अब हमने उसको फंक्शन की बात करनी, फंक्शन की बात करें तो नेजल कैविटी में ना बेटा एक तो एयर आती है, ठीक है। एयर आने के बाद ना नेजल कैविटी का काम ये है कि उन्होंने उस एयर को वार्म करना है। वार्म का मतलब गर्म करना है। क्या मतलब? नेजल कैविटी में कोई हीटर मौजूद है? ऐसा नहीं होता। एक्चुअली सर्दियों में ना बाहर बहुत ठंडी हवा होती है, अगर वो बाहर की ठंडी हवा एज इट इज हमारी बॉडी में चले जाए तो वो हमारी बॉडी के सेल्स को हार्म पहुंचा सकती है। यस, तो अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया है हमारे नेजल कैविटी में। वो मैकेनिज्म जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको हेल्प कर रही थी। बेसिकली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, दो चीज़ें हमने कहा नेजल कैविटी में दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक हमने कहा कि इनमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, दूसरा हेयर होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम होता है कि उन्होंने एयर को वार्म करना, अगर बाहर की एयर बहुत ठंडी है तो उन्होंने अंदर जो एयर है उसको जाने से पहले ही वार्म कर देना है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन ने गर्म कर देना है। कितनी गर्म करनी है? कितना टेम्परेचर सेट होता है भाई? माइक्रोवेव ओवन में टेम्परेचर सेट होता है, मतलब कि जो बॉडी हीट हमारी अंदर 37 है, 37 डिग्री तक वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एयर के टेम्परेचर को उतना वार्म कर देती है ताकि अंदर जाने के बाद वो रात पास जाए, कोई डैमेज क्रिएट ना करे, समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद इस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम होता है कि उसने एयर को मॉइस्ट करना है, नरम करना है, ठीक है। अगर खुश्क एयर आएगी तब भी अंदर जाकर जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि सेल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। हमने आसानी क्रिएट करनी है सेल्स के लिए, हमारा हमने कोशिश करनी है कि डैमेज ना आए कहीं भी, ठीक है। सो डैमेज ना आने की वजह यही है कि मॉइस्ट एयर कर देती है, एयर को मॉइस्ट कर देती है, ठीक है, नम कर देती है एयर को। उसके बाद फिल्टर भी करती है नेजल कैविटी। कैसे फिल्टर करती है? हमने तो कहा दो चीज़ें होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन का काम पढ़ लिया, अब हमने दूसरी तरफ आना है, वो है बालों का काम, हेयर्स का काम, सीलिएटेड स्ट्रक्चर जो मौजूद होता है अंदर नेजल कैविटी में उसका काम। उसका जाहिर काम यही है कि उन्होंने डस्ट पार्टिकल को, बाहर से जितने भी फॉरेन पार्टिकल अगर नेजल कैविटी में एयर के साथ मूव करते हैं तो उनको उन्होंने फिल्टर करना है, कैप्चर करना है, ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल है या जितना भी कोई भी पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल है वो हमारी अंदर बॉडी में एंटर ना करे। तो वो छाननी के तौर पर जो बाल है उसको फिल्टर कर लेते हैं। कितना जबरदस्त काम हमने नेजल कैविटी का डिस्कस किया, समझ आ गई है? अब जैसा कि नेजल कैविटी की डिटेल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने बस यही कहना है कि नेजल कैविटी के फौरन बाद थ्रोट शुरू होता है, या नेजल कैविटी लीड इन टू थ्रोट, ठीक है, जिसको हम फेरिंग्स भी बोलते हैं, समझ आ गई है? और ये फेरिंग्स में जाने के बाद नेजल कैविटी जो है वो दो ओपनिंग के जरिए फिर ओपन होती है इन टू थ्रोट और फेरिंग्स, मतलब कि नेजल कैविटी का लास्ट पोर्शन की बात करें तो उसके लास्ट पोर्शन में दो इंटरनल ओपनिंग देखी जाती हैं, वो टू इंटरनल ओपनिंग जो है वो नेजल कैविटी के फौरन बाद एक नए स्ट्रक्चर की तरफ जाती हैं जिसको हम थ्रोट या फेरिंग्स बोलते हैं। अब हमने फेरिंग्स का स्ट्रक्चर की बात करनी, फेरिंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो फेरिंग्स जो है वो एक मस्कुलर पैसेज है, मसल से बना हुआ एक आप कह सकते हैं फेरिंग स्ट्रक्चर होता है। इसकी बात करें तो इसमें भी ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होता है, मतलब इसकी भी दीवारों के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन देखी जाती है, समझ आ गई? अब फेरिंग्स का कोई काम नहीं, इसने बस एयर को आगे भेजना है, और वो जो एयर है ना वो फिर फेरिंग्स से होती हुई नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाती है, दैट इज लेरिंग्स। क्या है? लेरिंग्स। अब लेरिंग्स की तरफ आते हैं, लेरिंग्स जो है मैंने आपको कह दिया कि ये सांस की नाली का ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसको एक और जुबान में हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? इसकी बात हम आगे डिस्कस करेंगे ग्लोटिस वाले टॉपिक में। ग्लोटिस में हम देखेंगे कि उधर बेसिकली कुछ वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो यही वजह है कि क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होता है लेरिंग्स वाले पॉइंट में, यही वजह है कि हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, समझ आ गई? अच्छा जी, फिलहाल हमने यही देखना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा कि अगर लेरिंग्स की बात करें ना
तो ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। अब हमने ना एक और बात डिस्कस करनी है, वो है एपिग्लोटिस रिलेटेड। अच्छा, सबसे पहले आप एपिग्लोटिस का स्ट्रक्चर समझे, फिर मैं आपको इसका फंक्शन बताऊंगी। अगर एपिग्लोटिस के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो काफी सारी लोगों ने मिथ बनाई होती है कि पता नहीं ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि इन्होंने मूवमेंट शो करनी होती है और इनका काम आगे से फर्दर हम आगे देखेंगे इसका फंक्शन की ये सॉल्विंग के टाइम पे ये प्रिवेंट करती है कि फूड पार्टिकल जो है वो विंड पाइप में ना आ जाए, वो सिर्फ फूड पार्टिकल जो है वो ऑसोफेगस में जाए। इसका काम ये होता है, तो इन्होंने मूवमेंट करनी होती है। अच्छा, एक और मैं बात आपको यहाँ बता दूँ, बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर हम इसकी बात करें, ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो एंटी कैट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 13 का ह्यूमन पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पोर्शन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समझ आ गई? अच्छा जी, माना ये जाता है कि ये मस्कुलर सा एक स्ट्रक्चर है, लेकिन एपिग्लोटिस की बात करें तो ये कार्टिलेज से मिलके बना होता है। समझ आ गई? हाँ, इटसेल्फ ये कार्टिलेज से मिलके बना है, लेकिन इसको मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। नहीं समझ आई? जैसा कि बोन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, बोन्स को भी मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि मसल्स ही बोन्स को मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह एपिग्लोटिस इटसेल्फ कार्टिलेज से मिलके बना, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाले मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो एपिग्लोटिस है मस्कुलरली कंट्रोल होता है। अब इसकी अगर हम मूवमेंट की बात करें ना, तो ये हिंज मूवमेंट शो करता है। हिंज मूवमेंट कैसे होती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक जैसा आपने डोर में देखा, दरवाजा खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, ये खुलता है और बंद होता है। ये जो खुलने और बंद होने वाली आपको पोजीशन नजर आ रही है ना, यही पोजीशन है एपिग्लोटिस की, मतलब कि वो इसी तरह वो मूव करती है। ठीक है, अच्छा जी, हिंज मूवमेंट इसकी होती है, मैंने आपको बता दी, एग्जांपल दे के। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि होता ये है कि अब आते हैं इसकी तरफ। अब ये एपिग्लोटिस मैंने शो किया था, ये अगर आप ध्यान से देखें, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये एपिग्लोटिस है। अच्छा, अब मैंने ना आपको इस डायग्राम की मदद से ना एपिग्लोटिस के फंक्शन को समझाना है। ऐसा है कि एपिग्लोटिस का स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गई, अब इसका काम ये होता है कि इसने ना वक्ती तौर पर लेरिंग्स या फिर विंड पाइप की ओपनिंग को क्लोज करना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर आता है, हम खुराक खाते हैं, टंग जो आपको पता है कि टंग ने क्या करना होता है, टंग जो है वो बैकवर्ड मूव करती है, अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है, जिसके बाद एक आपको पता है स्लाइड क्रिएट होती है, वो स्लाइड जो है वो फूड बोलस को पीछे की तरफ धकेलती है। ठीक है, अब जैसे पीछे की तरफ फूड बोलस आएगा ना, तो इस एपिग्लोटिस का काम ही होता है कि इसने फौरन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आना है। तो ऐसा होता है कि वो लेरिंग्स के ऊपर ना ढक्कन के तौर पे एक्ट करेगी। ठीक है, अब ये बिल्कुल लेरिंग्स के ऊपर ढक्कन नहीं बन जाता, मतलब बंद नहीं कर देता, बिल्कुल ये अटैच नहीं होता उसके साथ जाके, हाँ, लेकिन एक स्लाइड क्रिएट करता है उसके ऊपर, जिसके बाद ही क्या होता है कि टेम्परेरी उसका पैसेज रोक देता है। ठीक है, सो फूड बॉलर जो है वो फिर इसमें नहीं जाता, मतलब विंड पाइप में नहीं जाता, वो बॉलर जो है वो एसोफेगस में जाता है। ये आपको नजर आ रहा है एसोफेगस, समझ आ गई है। उसके बाद हमने कहना है कि मैं आपको चलो रीड आउट कर लेती हूँ आपके आसानी के लिए, कि जी वन ऑफ द कार्टिलेज इज द एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस भी एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो कि मस्कुलरली उसको कंट्रोल करता है, हिंज जो है वो लाइक मूवमेंट करता है, एक्शन इसका हिंज लाइक होता है। उसके बाद ये क्या करता है, सर्व एज अ लिड, ढक्कन के तौर पर ये सर्व करता है, ऑटोमेटिकली खुद ही आके आ जाता है उसके ऊपर, आ जाता है किसके ऊपर, आ जाता है लेरिंग्स के ऊपर आ जाता है। ठीक है, लेरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको कवर कर देता है। ठीक है, एक किस्म का ढक्कन के तौर पर एक्ट करता है, बिल्कुल अटैच नहीं होता लेकिन उसको कवर कर देता है। ठीक है, और ये कब करते हैं, जब एक्शन होता है, स्वॉल्विंग एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तब। समझ आ गई? ये होता क्यों है, ताकि मैंने आपको कहा जो एंट्री ऑफ फूड है या वाटर है उसको प्रिवेंट कर सके लेरिंग्स में। और खुदा न खास्ता अगर खुराक या फिर पानी का कोई भी पार्टिकल अगर सांस की नाली में आ जाए, तो आपको पता डेथ हो सकती है, क्योंकि वो पूरे का पूरा एयर पैसेज को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एपिग्लोटिक्स जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा जी, अब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है ग्लोटिक्स का। ग्लोटिस बेसिकली अगर हम बात करें ना, लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है ना, ये जो कैविटी होती है उसको ग्लोटिस बोलते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये जो नीचे आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये सी शेप जो रिंग्स नजर आ रही है, ट्रैकिया है, सांस की नाली। लेकिन मैंने आपको कहा था सांस की नाली का जो अपर पोर्शन है उसको हम लेरिंग्स बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन है इतना आपको नजर आ रही है, ये लेरिंग्स है। और लेरिंग्स का अगर मैं आपको पूरा ऊपर वाला मुंह की बात करूँ ना, मुंह वो मैंने आपको यहाँ उन्होंने क्लियर करके आपको दिखाया है कि अगर लेरिंग्स के ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब ओपनिंग की बात करें लेरिंग्स की, वो कुछ इस तरह की नजर आती है, और उस ओपनिंग को ही हम ग्लोटिस बोलते हैं। मतलब कि ये लेरिंग्स की ओपनिंग है, इस तरह की नजर आती है, इसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। समझ आ गई है?
अच्छा जी, इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब हमने ना नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करना है ग्लोटिस में, दैट इज दिस स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कि ये जो है ये वोकल कॉर्ड है। अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ग्लोटिस के अंदर ना दो रस्सियां नजर आ रही हैं आपको, वाइट ये आपको नजर आ रही है दो रस्सियां, इसको हम बेसिकली वोकल कॉर्ड बोलते हैं। अब आते हैं इनके फंक्शन की तरफ कि वोकल कॉर्ड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब मैंने आपको वो बताना है कि लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि लेरिंग्स की ओपनिंग जिसको हमने ग्लोटिस बोला, उसके अंदर जो दो थिन फाइब्रस हमें मसल्स नजर आ रहे थे, ये फाइब्रस जो मेम्ब्रेन हमें नजर आ रही थी जिसको हमने वोकल कॉर्ड बोला। अब जैसे ही एयर एंटर करेगी ना, ठीक है, एयर आते आते जैसे ही वो नेजल कैविटी सारे के सारे पैसेज फॉलो करते हुए, जैसे ही एयर ग्लोटिस में आते हुए इस स्ट्रक्चर के साथ टकराएगी ना, जैसे टकराएगी ना आवाज प्रोड्यूस होती है। अब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये साउंड तभी प्रोड्यूस हो रहा है कि जो आउटसाइड एयर जो मैं अंदर मूव करवा रही हूँ एयर को, वो एयर जब इन बैंड्स के साथ टकराती है तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है और वो आवाज़ आप सुन रहे हैं। समझ आ गई? अच्छा, ये बैंड्स कैसे होते हैं मैं आपको आसान कर देती हूँ। जैसे गिटार में होता है, गिटार पर भी हल्की सी तारें नजर आती हैं, अगर आप उसको वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। सेम इज द केस विद वोकल कॉर्ड, मैंने बहुत आसान कर दिया। दिस इज ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर। एक्चुअली ये लेक्चर कम्प्लीट नहीं हुआ, ये टॉपिक कम्प्लीट नहीं हुआ, हाँ, लेकिन इसका फर्स्ट पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको ट्रैकिया बताऊंगी, ब्रोंकस क्या होता है, ब्रोंकियोल्स क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होता है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पूरे का पूरा स्ट्रक्चर लंग्स का, डायफ्राम क्या होता है, प्लूरा क्या होता है, ये सारे के सारे जो है वो पॉइंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, इतने आप हजम कर लें बहुत है, ठीक है। अगर आपने इस पोर्शन रिलेटेड भी कुछ पूछना हो बिला जिदक, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने मुझे फीडबैक से लाजमी आगाह करना है, अगर आपको पसंद आए तो आपने अप्रिशिएट करना है। और हाँ, लास्ट पर ये बात बहुत ज़रूरी है कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना, ताकि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो वो आपको बर वक्त पहुँचे, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट टॉपिक तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के सेकंड पार्ट में। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।